गुड मॉर्निंग गाइस, हम गंगुइल होम स्टे पे हैं जिस्पा के पास में। ये तंजिम भाई हैं, इनका अभी होम स्टे जस्ट बना है और फर्स्ट कस्टमर हम ही हैं। देखो आप मेरे पीछे देखा होगा, पूरा वुडन वर्क करा हुआ है इन्होंने। उनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन देखिए, आपको जैसे आप विंडो ओपन करेंगे तो आपको क्या लोकेशन दिखेगी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, बर्फ के पहाड़ चारों तरफ दिखेंगे आपको। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल ग्रीनरी दिखेगी इनकी। देखो इतनी सुंदर सी बैठक बना रखी है इन्होंने, यहाँ पे ऐसी बैठक ही चलती है। सोफा सेट लगा रखे हैं, पूरा पार्टी हॉल बना रखा है, म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम आप एंजॉय कर सकते हैं आराम से, नाइट में पार्टी कर सकते हैं यहाँ पे। इनकी खुद की किचन है, आपको खाना बनाना था आप खाना भी इनकी किचन में बना सकते हैं। गाइज ये देखिए, ये हमारा रूम जो हमने यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम ही यूज़ करा है। देख ली, बेडशीट पे भी स्टिकर्स लगे हुए हैं अभी भी। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा इन्होंने बना रखा है, पूरा वुडन वर्क है, पूरा अलमारी वगैरह सब कुछ बना रखी है। और व्यूज़ आप देख ही रहे हैं। आप मनाली से अगर आते हैं तो आपको जिस्पा रुक करके फिर बरलाचा पास आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ रुकने के लिए सबसे बेस्ट होम स्टे मुझे यही लगा। बहुत सस्ता है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है और बिल्कुल न्यू ब्रांड बना रखा है इन्होंने, और इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है तंजीम भाई का, और बहुत अच्छे से हमको ट्रीट करा और सारी फैसिलिटी दी है। तो आप भी बिल्कुल यहीं स्टे करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ से इनका मेन डोर स्टार्ट होता है, ये पूरी होटल है इनकी। ये देखिए बहुत सुंदर सी बना रखी है, बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए ब्लू कलर की पूरी होटल और आसपास की लोकेशन आप देखिए, ऊपर धुंध हो रखी है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में इन्होंने बना रखा है, बहुत सुंदर सा होटल है। गाइस गाड़ी की हालत ख़राब हो गई, देखिए आप स्टिकर सारे उतर गए मेरे, ये नीचे से डैमेज हो गया है, बम्पर डैमेज हो गया है। ले आप लेके जाएंगे गाड़ी तो आपकी गाड़ी बहुत जगह से डैमेज हो सकती है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, अंदर भी शायद नुकसान हुआ। अभी मैं चेक कराऊंगा गाड़ी, अभी तो वॉश करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी गाड़ी। गाइस ऑन द वे मनाली पे आप हॉट एयर बलून का भी मजा ले सकते हैं। गाइस फाइनली हम कसौल पहुंच गए हैं, ये है कसौल का मार्केट, और अब हमें फ्रीडम कैफे पे जाना है जो पायरेट्स ऑफ पार्वती के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां जाने के लिए हमको 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। ये देखिए हम अब एल्टो कार में बैठ गए हैं और एल्टो कार से इतने सकड़े रोड पर हम 1 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, उसके बाद में 0.5 किलोमीटर हमको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। जंगल से होते हुए हम फ्रीडम कैफ़े पे पहुंचेंगे। इस रोड पे सिर्फ एल्टो कार ही आ सकती है, 500 रुपये एल्टो कार वाला लेता है 1 किलोमीटर जाने का। और ये देखिए एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ छोटा सा रोड है, इस रोड से होते हुए हमको 1 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और उसके बाद हम ट्रैक करेंगे। कार वाले भैया ने हमको ड्रॉप कर दिया है, अब हमको 0.5 किलोमीटर का सफ़र जो कि आधे घंटे में तय करना है। इस पगडंडी से होते हुए हम फ्रीडम कैफ़े की तरफ जाएंगे। ट्रैकिंग के बीच में आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े देखने को मिलेंगे। पायरेट्स ऑफ पार्वती यानी फ्रीडम कैफ़े आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे पत्थर पे इन्होंने साइन कर रखे हैं POP, उन साइंस को देखते हुए आपको आना है। ये देखिए पायरेट्स ऑफ पार्वती फाइनली हम पहुँच गए हैं, देखते हैं अंदर से कैसा है। कैसा लगा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक? अरे मेरे को बोलो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हम फाइनली कसौल आ चुके हैं। कल रात को हम आ गए थे कसौल में, और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर जो जगह है वो है पार्वती वैली, और पार्वती वैली में जो पायरेट्स ऑफ पार्वती यानी फ्रीडम कैफ़े सबसे पॉपुलर है। यहाँ पे रेगुलर पार्टीज़ होती हैं, इनका इंस्टाग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पार्टीज़ का पता चलता रहेगा। हर हफ्ते में 3 दिन पार्टीज़ कराते हैं। हम थोड़ा लेट हो गए, 7, 8, 9 को पार्टी थी, हम यहाँ 10 को कल आए हैं,
उस कारण से हम कोई पार्टी अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हमने 4 बजे तक एंजॉय करा बहुत अच्छे से। हमने डांस वांस करा यहाँ पे क्योंकि पब्लिक रुकी हुई थी काफ़ी यहाँ पे। तो आपको भी कभी आना हो तो यहाँ आने के लिए आपको ट्रैक करके आना पड़ेगा। जगह का जो नाम है वो छलल ट्रैक कहलाती है ये, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। लेकिन इस कैफ़े को आप सर्च नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको पूछ कर ही आना पड़ेगा। और इन्होंने मार्क्स कर रखे हैं, ऐसे लिख रखा है मतलब POP पायरेट्स ऑफ पार्वती, तो उसको देखते हुए आप आ सकते हैं। अभी हम हाथ धो करके निकले हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। नदी किनारे कोई रेस्टोरेंट बता रहे हैं ATS करके, वहाँ जा रहे हैं। ना आपको ठंड लगेगी ना गर्मी, बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। तो चलते हैं गाइस आगे देखते हैं। आपको दिख रही है ये सिर्फ एक पेड़ के तने पे पुल बना रखा है इन्होंने, और ये झूलता हुआ पुल है। तेज रफ्तार में पानी जा रहा है, देखिए। और आप यहाँ आए तो जरूर ATS कैफे, वो देखो ATS कैफे जरूर आप आना, बहुत अच्छा फूड है यहाँ पे। टेस्टी फूड आला ही थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन फूड अच्छा है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never... हेलो गाइस, हम ATS कैफे में बैठे हैं अभी, और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप रिवर चल रही है, बहुत ठंडी हवा है, शॉल ओढ़ना पड़ा है मुझे, बहुत तेज ठंड है। पापड़ भी खा रहे हैं।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम अभी कसौल में हैं, हिम ट्रैक पे। हमने नीचे रिवर साइड पे कैंप लिया है, तो यहाँ पे एक्चुअली का ऊपर से नीचे आना पड़ता है। देखिए आप, ये जो रोड है ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर रोड है, वहाँ से यू टर्न लेके दो लूप आते हैं, ये दो लूप पार करके नीचे आने पड़ते हैं। ये बिल्कुल खड़े लूप हैं, तो इसमें आप जब भी नीचे आए तो आप या तो ऊपर पार करने की कोशिश करें, अगर नीचे आते हैं आप तो ये ध्यान रखें अर्टिगा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल से तीन गाड़ियाँ अर्टिगा हमने फंसते हुए देख ली है। यहाँ पे अभी अर्टिगा फंसी हुई है वहाँ पे, उसको 4x4 खींच के लेके जा रही है। ये इनोवा के आगे जो है ना, ये अर्टिगा टीवीएस के आगे 4x4 है, जो 4x4 है वो अर्टिगा को लेकर जा रही है ऊपर। आप हिम ट्रैक पे कभी भी नीचे आएँ तो आप इस सोच समझ के आइएगा, अगर आपको ड्राइविंग में आप अच्छे हैं तो ही आप नीचे आ सकते हैं। अभी हमारी गाड़ी भी कल फंस गई थी, इट मीन्स यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं नीचे। हम जा रहे हैं मानिकरण साहिब गुरुद्वारा, लेकिन पूरे कसौल में आपको, आप एंट्री लें एग्जिट लें, आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि बहुत सकड़ा रोड है, पहाड़ के नीचे बिल्कुल सकड़ा सा रोड है। कई जगह सिंगल रोड आया था तो वहाँ पासिंग देनी पड़ती है एक दूसरी कार को। तो देख लीजिए, अभी भी यहाँ मानिकरण साहिब से हम सिर्फ 500 मीटर दूर हैं और ट्रैफिक जाम है। हम 3 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटे में अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। पता नहीं पार्किंग आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, बरसात अलग हो रही है। गाइस, हम फाइनली आ गए हैं मानिकरण साहिब। मेरे पीछे ही मानिकरण साहिब गुरुद्वारा आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाता हूँ पास से। आप देखेंगे यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर आता है जो पूरे साल चलता है। देखें आप सामने, वो जो नाले में से पानी आ रहा है ये अंदर से आ रहा है, ये हॉट स्प्रिंग वाटर है, कुदरत की देन है। यहाँ गर्म पानी ही आता है पूरे साल। आप उठी दिख रहे होंगे, आपको इवेपोरेशन हो रहा दिख लीजिए। मेरे पीछे धुआं आ रहा है, इसकी जो फील जो मुझे आ रही है, इसकी गर्माहट यहाँ फील हो रही है इतनी दूर। देखिए कुदरत का अजूबा है। गाइस ये देखिए, लंगर चल रहा है यहाँ, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ, रहना खाना नहाना धोना सब कुछ फ्री होता है यहाँ पे। गेस्ट हाउस भी आपको फ्री मिलेगा। जन्म पर फरे न्यारे निके रंग संकर सब डारे जो